भाई कोई गैरत भी नाम की चीज होती है। साइकिल के मामले में भी स्टैंड लिया, उसकी पढ़ाई के लिए भी स्टैंड लिया, है ना। कहते हैं साइकिल को ताला लगा के, कहते मैं देखता हूँ कौन तेरी साइकिल को हाथ लगाता है, कोई नहीं लगाएगा, तू जाएगी साइकिल के। लो भाई वो जब एंटर होता कहती एक मिनट रुके मेरा फोन दे देंगे आप कितने देखो अब उसने उनकी सोच को पकड़ा ना। अली से कहा, मैंने कहा अली सर्दी थी तुम तो स्वेटर पहन रहे हो थ्रू आउट, कहता सख्त गर्मी थी। मैं कहा स्वेटर क्यों पहना, कहता क्योंकि मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी जिसमें एक जो साहब थे वो स्वेटर पहनते, तो मैंने बोला स्वेटर पहन लूँगा, फिर बाद में जब गर्मियाँ शुरू हुई तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा। तो सज्जन एक मेरा ख्याल है हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक इतना खूबसूरत तोहफा है, हम सबको उसकी कदर करनी चाहिए। सज्जन यू आर सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, तुमने इंटरनेशनली पाकिस्तान को मनवा दिया, तुमने हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखाया है, वो चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो। मैं तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ मेरी जान, तुम देर से आई लेकिन हमारे लिए, और हम तुम्हें इसी तरह सराहते रहेंगे तो, क्योंकि तुम हमें मायूस होने नहीं दे रही और कभी होने भी नहीं देना। नाइस, वेरी नाइस, लवली, देर आई दुरुस्त आई। बड़ी कुछ डिग्रियों वाले आपने बड़े जाहिल देखे होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं लेकिन उनकी सोच ही छोटी है, और जिनके पास नहीं डिग्री है अगर उसकी सोच बड़ी है ना, तो ये मीनू का बाप और मीनू का भाई ब्लड से आई ना एक चीज़, एक बेटे में आई सोच बड़ी आई। तो उसने जब वो उसका भाई कहता है यार भाई कोई गैरत भी नाम की चीज़ होती है, वो कहता है तो गैरत यही है कि बहन को पर्दा रखो, ये थोड़ी है कि दुनिया को बताते फिरो। कितनी खूबसूरत, इसी तरह उसके बाप ने स्टैंड लिया था, साइकिल के मामले में भी स्टैंड लिया, उसकी पढ़ाई के लिए भी स्टैंड लिया, है ना। कहते हैं साइकिल को ताला लगा के देते, कहते मैं देखता हूँ कौन तेरी साइकिल को हाथ लगाता है, कोई नहीं लगाएगा, तू जाएगी साइकिल के। तो ये चीज़ें इससे जो एक बड़ी ही पिक्चर, जब मैं कहते हैं हमेशा बड़ा थोड़ा से स्क्रीन को सिर्फ टीवी नहीं बड़े करने चाहिए, दिमाग की स्क्रीन को भी थोड़ा सा बड़ा करके देखा करें कि कितने खूबसूरत मैसेजेस दिए इनके थ्रू। और आप यकीन माने इस तरह के लोग हमें मिलते हैं, कितने मजे से रिहाशे कहता है मेहमान आता अपनी मर्जी से जाता हमारी मर्जी से। लो भाई वो जब एंटर होता कहती है एक मिनट रुके मेरा फोन दे देंगे आप, कितने देखो अब उसने उनकी सोच को पकड़ा ना कि ये किस तरह से, ये हमजा ने नहीं किया, ये आगे खुलेगी, ये इसको चाचे ने मशवरा दिया होगा आपने ऐसे नहीं जाना, आपने मौलवी के साथ जाना है तभी ये बाहर आनी है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, डायरेक्टर राइटर का कॉम्बो जब बनता है तो जड़ पत्तों के बन बनता है। और राइटर ने जो नक्शा खींचा ना उधर, हाय हाय हाय, वो जो जब उसके पांव दबा रहा होता है, जो पूरा करेज तक लेके गया, लाइक मुझे क्या कहाँ की बात कहाँ तक कहां। मैंने अली से पूछा ना, अली से कहा, मैंने कहा अली सर्दी थी तुम तो स्वेटर पहन रहे हो थ्रू आउट, कहता सख्त गर्मी थी। मैं कहा स्वेटर क्यों पहना, कहता क्योंकि मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी जिसमें एक जो साहब थे वो स्वेटर पहनते, तो मैंने बोला स्वेटर पहन लूँगा, फिर बाद में जब गर्मियाँ शुरू हुई तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा ऐसे, बट इट लुक्ड वेरी ऑथेंटिक। और एक्सेंट भी करेक्टर से एक्सेंट बनाए, करेक्टर है, कमाल करेक्टर बनाया कि वो लग रहे कहीं का थानेदार कोई। इमोजी या मतलब मैं तो खुद खुशी की नहीं दिख रही, ऐसे खुशी वाली इमोजी। जड़ पत्तों के बन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही उसकी राइटिंग है, और अगर ये लिखा हुआ ऐसा ना होता तो ये ड्रामा इतना खूबसूरत बनता है। जो करेक्टर लिखा ही क्राफ्ट हुए हैं। इवन आप ये देखें ना जो हमजा का के वाले साहब हैं, उनका कितना मजे का करेक्टर है, वो फोन पे ही सिर्फ बातें, बाप बेटे के तो शुरू में एक मेरा से एक मोहब्बत हो गई है, तुम्हें ये कंफर्म है कि मोहब्बत हो गई है, जब वो शेर सुनाता है क्या शेर को आके वो कंप्लीट करती है। तो मैं सोच रही थी कि कितने मजे से इवन माँ भी जहाँ थोड़े से टाइम के लिए आती है, चुड़ 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 करती है और वो खड़ा सिप ले रहा होता है, वो कहती है मैं तो कुछ बोलती नहीं। वो अपनी माँ से भी रिलेट करता है ना कि मेरी माँ भी बोलती रहती थी, या ये भी बैठी बोल रही कि तू सर खुलवा कर आ गया, तू ये आ गया, लेकिन मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। वो कैसे कहती क्या हुआ, कहते नहीं आप कुछ नहीं बोलती, कहती कौन सी कुफर की जंग लड़ने तू गया था जिसको सब मुर्गा ही लड़वा रहा था ना, कह तू जिहाद थोड़ी कर रहा था। तो बड़े मज़े के वो सारे सीन, और
बुनत बड़ी अच्छी है, मतलब जो टुवर्ड सोसाइटी जो वेट है ना मुस्तफा की, जो इसमें छोटे छोटे मैसेज में आती है, और वो बड़े लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान इस पूरे सोसाइटी पे तंज भी कर रहा है और बता भी रहा है कि देखो ये हो तुम, एक्चुअली दिस इज यू गाइस। इवन वो बहुत इवन आप अगर आप वो देखे ना जहाँ वो गाना सीख रहा है इसका भतीजा जो है, हाँ रोमांस भी चलना है तो गाना भी सीखना है, बेसुरा भी मैं हूँ इंतहा का, लेकिन वो प्यारे सीन है, मतलब आप रिलेट कर रहे हैं कि यार ये सब कुछ यही होता है, ये यही जिंदगी है, तो 10 इससे कम नहीं हो सकता। सादिया ड्रामा बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बड़ी बात को बड़े ही प्यार से कह रहे हैं, पूरा स्क्रिप्ट जो है ना जो लिखा हुआ है, और दोनों की बुनत बहुत अच्छी है। सैफी भाई का कमाल ही यही है कि वो बहुत ही खूबसूरती से बहुत बड़ी बड़ी बातों को कहलवा देते हैं और वो आपको बुरी भी नहीं लग रही होती और कहीं ना कहीं वो आपके दिल में उतर जाती हैं। ऐसे ही ये ड्रामा जो है, एक तो बड़ी प्रोडक्शन है, कश्यप फाउंडेशन ने हमेशा जब भी काम किया एक बड़े ही टॉपिक को लेके काम किया है, और इस दफ़ा फिर अगेन यही दो राइटर और डायरेक्टर की जोड़ी हमें मिल गई, तो कमाल का वो है। मेरा ख्याल है कि कुछ भी अब इसमें कहना, अतीका जी सब कुछ ही कह चुकी, सारे अच्छे सीन इन्होंने गिनवा दिए, लेकिन जो ब्यूटी मुझे इस दफ़ा, क्योंकि बिल्कुल नया था चक्की पीसना, और बाप का जो बोलना था ना मुझे, मतलब अभी तक चक्की पीसते हुए नहीं दिखाया था, कटिंग करते दिखा दिया था, सब कुछ दराती चलाते सारे काम करा दिए, चक्की पीसते हुए जो बाप को सुनती है और वो जो देखती है और जो रोती है और कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो वो जो डायलॉग डिलीवरी बाप और बेटी के दरमियान थी ना, वो कहते थे तू मेरी मुझे अभी माँ जैसी लग रही है, तू क्योंकि वो भी उस अल्लाह करे जो तू कह रही है ना वो वैसे ही हो कि कुछ ना हुआ वो, और कह के जब वो उठ जाता और वो जो आंखों से उसके आंसू गिरते, कंट्रोल्ड एक्टिंग, बहुत सारी जगहें थी जहाँ आप किसी को भी हाइपर कर सकते थे, नशे वाले भाई को कह देते भाई तू हाइपर हो जा नशे में इस वक्त, बस वाले भाई को कह सकते थे इस वक्त गैरत के नाम पे तू हो जा, नहीं किसी कैरेक्टर को तो बोली है ना, जो इवन जो मुर्गा जीतता है ना उसकी हंसी देखी थी मुर्गा जीतने के बाद, बस सो नेचुरल, और वो जो वो कचरे वाला वो जो वो जो आपस में उनकी थी कहते 5,000 2,000 वो एवरीवन वाज सो गुड, कहते दे दे, अदरवाइज हमारा जो जूनियर स्टाफ जो एक्टर्स होते हैं वो पता चल रहा होता है कि बहुत फोर्स्ड हैं या जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इवन मेरे ख्याल कचरे वाला तक भी ना आर्टिस्ट लिया गया, artist जैसे वो टीचर मुझे बड़ी मेरी फेवरेट है, वो जब टीचर जर्नलिस्ट कितनी अच्छी थी, और कितने मजे से आके कितना कॉन्फिडेंटली और प्यारा मेकअप दिखाया है, देखें जहाँ ग्लैमर की जरूरत थी शहर से आई है उसके मेकअप भी हुआ है प्रॉपर, उसके यहाँ ग्लॉस भी लगा हुआ है, मजे की लिपस्टिक भी लगी, और क्या कॉन्फिडेंस था, जर्नलिस्ट का कॉन्फिडेंस ही तो कैश होता है। वो कहती है अच्छा ठीक है, मुड़ के कहती है उसका वकील भी आएगा फिर वो आपसे FIR भी ले लेगा, तो मज़े की बात करके चली जाती है, तो वो बड़े मज़े का करेक्टर सारे अच्छे बने। नंबर सैफी, सैफी भाई 10 से कम कहाँ जाएंगे। सादिया ग्रेट, सज्जल तुम्हारे पीछे तो सबसे पहले दिन ही मेरी लड़ाई हो गई थी मुकर्रम से तो मैंने तब भी यही कहा था कुछ बड़े आर्टिस्ट होते हैं, और हम लड़े तो नहीं थे, हमारी बहस हुई थी ना, मैंने पहली एपिसोड पे पहली लाइन पे मैंने 10 नंबर दिए था, आपने कहा था ये कैसे कह रही हैं आप, अभी तो पूरा ड्रामा रहता है, अभी तो एक सीन आया क्यों आपने दिए, मैंने कहा है ना याद है आपको, तो मैंने आपसे कहा था आर्टिस्ट का जो बैकग्राउंड है ना कभी उसे नहीं भूलना चाहिए कि उसने आपको क्या क्या काम दिया हुआ है, और हमें यकीन है कि ये इसमें खाली नहीं जाने देगी, और देखें उसने साबित किया वो एक। लेकिन मेरा एक है एक काउंटर आर्गुमेंट है इस पे, ये रेयर केसेस में होता है, बिकॉज अभी हमने बिस्मिल में नुमान इजाज साहब को काम देखा जो इतना कमाल काम दिया हुआ है, लेकिन इस बिस्मिल में देखे तो हमने रेयर केसेस में ही नंबर दिए थे 10, हमने हर एक को 10 नंबर दिए भी नहीं थे। तो सज्जल एक मेरा ख्याल है हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक इतना खूबसूरत तोहफा है, हम सबको उसकी कदर करनी चाहिए। हमारा मसला क्या है, हम अपने आर्टिस्ट को इज्जत देने के बजाय उसकी सबसे पहले टांगे खींचते हैं। ये मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने खुद फेस की ये सारी चीज़ें, मैं जब खुद काम करती थी तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके अंदर वो स्टार्डम दिख रहा है और वो है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, कुछ नहीं जाता हमारा,
आप यकीन माने ये एक हमारे लिए सांस होती है जब कोई आके आर्टिस्ट से कहता है आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, आपका काम बहुत अच्छा है, कि इससे ज्यादा यही कुछ तो आर्टिस्ट चाहता है, यही चाहिए। तो सज्जल यू आर सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, तुमने इंटरनेशनली पाकिस्तान को मनवा दिया, तुमने हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखाया है, वो चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ मेरी जान। तुम देर से आई लेकिन हमारे लिए, और हम तुम्हें इसी तरह सराहते रहेंगे तो, क्योंकि तुम हमें मायूस होने नहीं दे रही और कभी होने भी नहीं देना। देर आई दुरुस्त आई। सबसे ज्यादा मैंने तनकीद का निशाना बनाया था हमजा को, देख रहे हैं हमजा यही है। मैं तो कहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था ना तब, एक चीज आई थिंक उस स्क्रिप्ट में वो जगह नहीं आई थी कि अब जगह आई। और जब आर्टिस्ट का कमाल ही यही होता है कि आपको जैसे ही वो जगह मिले और आप उस जगह पे खेल जाएं, अगर तब भी आपने छक्का नहीं मारा तो फिर आप फिर। और आई थिंक साजी उसमें आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि शुरू के जो एपिसोड्स हैं ना उसमें वो शहर दिखाया था, शहर वाज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ इस ड्रामे का। जब से गांव में आया ना, गांव में आके हर करेक्टर खुल के आया है, उधर ना डायरेक्टर नहीं कन्वे कर पाया था शुरू के एपिसोड्स में। यानी आप गांव में आना चाहते थे, फौरन गांव में ले जाओ हमें, शहर ना दिखाओ। और उसमें हमजा सुहेल था शहर में उस वक्त, और हमजा ये जो लास्ट टू एपिसोड, बल्कि इससे कुछ थोड़ी पहले एपिसोड से भी, हमजा ने अपने आप को जो अपलिफ्ट, एक होता है ना आर्टिस्ट खुद अपने आप को खड़ा कर देता है कि नहीं जी मैं भी हूँ, मुझे भी देखिए, इधर यूँ करके हाथ खड़ा करे, तो हमजा ने बकायदा यूँ हाथ खड़ा होकर के बताया कि मीनू को छोड़े जरा मुझे भी देखे, मैं भी हूँ यहाँ। तो ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वो निकल कर आता है उसके पाँव में मोच का आना, वहाँ से गिर जाना, बाप से जो उसकी गुफ्तगू है वो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मतलब बाप और बेटे का रिलेशनशिप इतना अच्छा दिखाया है, इतना खूबसूरत दिखाया है, जहाँ वो कहते हैं क्या तुम्हें ये वाकई यकीन हो गया है, कहता है हाँ अब यकीन हो गया है, हो गई है, कहता बता दिया उसको, नहीं बताया, उससे तो पूछ लो पहले कि वो क्या चाहती है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती है कि बाप रिलेशनशिप को, और मज़े का उसके जब चाची कहती है मैं नाश्ता लेकर आ, नहीं मैं खुद नीचे आ रहा हूँ उतर के, क्यों तुम उतर रहे अभी तो, नहीं अब कमर अकड़ गई है, सिंपल सिंपल से जुमले, लेकिन कमर अकड़ गई पे वो जब खड़ा होता है ना यूँ करके, कमर अकड़ गई है अब मैं ज़रा चलना चाहता हूँ, अब मैं डिस्पेंसरी भी जा रहा हूँ। तो छोटी छोटी जगहों पे उसने अपने आप को अब दिखाना शुरू किया। एक बड़ा अच्छा सीन था उसका, जब वो बाइक पे उसे लेने आता है, कहता है मैं जा रहा था, मैं छोड़ देता हूँ, फिर कहता है कि देखो चाची से बाइक लेकर आया, हाँ कहता है मैं मुझे कहीं नहीं जाना था, मैं तो बाइक लेके आया हूँ। वो बड़ा खूबसूरत रोमांस था। हां वो कितने मजे से कहती कहती मुझे जहां भी पहुंचना होगा मैं पहुंच जाऊंगी। नंबर्स हमजा के लिए, हमजा पहले बहुत ज्यादती कर चुकी हूँ लेकिन ज्यादती नहीं थी, अब यकीन माने आपके साथ वो बिल्कुल मेरी ऑनेस्ट राय थी उस वक्त, जो मुझे दिख रहा था मैं हमेशा वो बोलती हूँ, अब आप मुझे हीरो दिखें इस ड्रामे में, इस पोर्शंस के बाद से अब आप मुझे हीरो दिख रहे हैं, तो आपके लिए 10 10।